दिल्ली में आज सड़कों पर सियासी तमाशा देखने को मिला और जीवन के विरोध में बीजेपी नेता विजय गोयल ने मोर्चा खोल दिया, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी इसके फायदे गिनाने में जुटी हुई है, क्योंकि पूरा दिल्ली जो है गैस चैम्बर बना हुआ है। सिर्फ दिल्ली नहीं, अगर यूपी की तरफ जाएं वहां भी ये हालत है, हरियाणा की तरफ जाएं वहां भी ये हालत है, चंडीगढ़ तक ये हालत है। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है और मुझे खुशी है कि आप इसमें, आपने ये, आपकी मुस्कुराहट जो है ये कह रही है कि आप ऑड इवेंट में आप पूरा हिस्सा लेंगे। नहीं, मैं आपका स्वागत करता हूँ, मैं सिर्फ आपकी जानकारी के लिए लेना चाहता हूँ। ऑड इवेंट में आपने सारे दुपहिये अलाउ कर दिए 70 लाख, आपने सारी ओला कर दी, सारी उबर कर दी, सारी टैक्सी कर दी, सारी ई रिक्शाज कर दी, सारी बसेस कर दी, कुछ छोड़ा ही नहीं, सिर्फ 4 व्हीलर रहे हैं। तो उसके कारण मुझे लगता है कि ऑड इवन एक नाटक बन गया जाके। फिर भी मैं आपको ये कहता हूँ, ऑड इवन को कि अभी अब करना था तो काफी पहले करना था, नंबर एक बात। दूसरा, हर साल ऑड इवन करना था ना आपको, अब चुनाव से पहले जब आप 2 महीने करते हैं तो मुझे नाटक लगता है। पर मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ कि भाई दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, कोई भी सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए कुछ भी करेगी वो हम करेंगे। पर पराली से लोग कहते हैं 10% प्रदूषण होता है, 40%, चलिए 40 होता है, 60 का क्या होगा, 25-30% तो कम किया। नहीं नहीं, नहीं, दूसरा इस चीज को तो मानते हैं। नहीं, आपके एडवर्टाइजमेंट आपने नहीं पढ़े मेरे। नहीं नहीं, मैं बताता हूँ ना, जो रिपोर्ट पार्लियामेंट में टेबल हुई और उसमें तो साफ साफ ये माना गया है कि 25-30%, ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, आम आदमी पार्टी की सरकार की रिपोर्ट नहीं है, इसमें हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते। आप हमारे साथ, दिल्ली वासियों के साथ मिलके जो भी प्रदूषण हम कम कर सकते हैं उसको कम करें। आप खुल के करिए, मेरी प्रोटेस्ट सांकेतिक थी, नंबर एक बात। दूसरी बात, आप अपना विज्ञापन पढ़िए, आपने उसमें ये नहीं कहा आपने प्रदूषण कम कर दिया, आपने सुनिए लिखा है उसमें, अरे नहीं लिखा ना, मैं बताऊंगा आपको, आपने उसमें लिखा है 25% प्रदूषण, हवा साफ हो गई। हवा मतलब हवा साफ, नहीं खुद हवा साफ हो गई, जैसे आपने देखा है ना, बारिश हो जाए, धूप हो जाए, आप अपने ऐड को ध्यान से देखिएगा, आपने ही लिखा है। दूसरी बात, दिल्ली सरकार ने एक भी उपाय ऐसा नहीं लिखा हुआ जो आपके इनिशिएटिव पे हुआ। फिलहाल ये बात है कि मेरा सांकेतिक प्रोटेस्ट हो गई है, मैं ये चाहता हूँ जो भी कदम उठाएं वो पूरे 5 साल उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑड इवन में आप पूरा हिस्सा, नहीं मैंने तो बता दी आपको, मेरी तो सांकेतिक प्रोटेस्ट थी, आप ऑड इवन करिए, पर ऐसा नहीं सबको छूट देने के बाद ऑड इवन से फायदा नहीं होगा। ये देखो पिछली बार की रिपोर्ट है, इसमें फायदा नहीं हुआ था, इस बार फायदा होना चाहिए। ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं तो फिर ये कह रहा हूँ कि अगर जितने कम होंगे उसमें, ठीक है।